आज बना रहे हैं कॉर्न चीजी पोटैटो बॉम्ब, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। आप इसको बना करके फ्रीजर में रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, 3 से 4 दिन के लिए। जब भी आपको सर्व करना हो आप उसको डीप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कॉर्न चीजी पोटैटो बॉम्ब्स। मैंने ये मीडियम साइज के 4 आलू लिए हैं। सबसे पहले आलूओं को ग्रेट करेंगे, कस लेंगे आलूओं को। कॉर्न चीज पोटैटो बॉम्ब्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आलूओं को बॉल में डाल देंगे। आलूओं को ग्रेट करने के बाद, ये प्रोसेस चीज़ है, इसको भी ग्रेट कर लेंगे। चीज़ को भी ग्रेट कर लिया है। आलू में मिलाएंगे प्याज अपने टेस्ट के अनुसार, या 1/4 कप। ये महीन महीन कटी हुई प्याज है, इसमें 1/4 कप महीन कटी हुई शिमला मिर्च मिलाएंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को ना डालें, स्किप कर दें। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप कॉर्न। ये घर की बनी हुई फ्रोजन कॉर्न है। इसकी अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई पर क्लिक करके देख सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, करीब 2 टेबल स्पून। टेस्ट के अनुसार डालेंगे चिली फ्लेक्स, जितना भी तीखा आपको करना हो। मैंने करीब 1 टीस्पून डाली है। 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर डालेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, क्योंकि चीज में काफी नमक होता है, तो नमक अपने हिसाब से डालें। अब इसमें डालेंगे चीज। ये करीब 1/2 कप चीज है, प्रोसेस चीज है। आप चीज को अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 कप के करीब मोजरेला चीज भी डाल रही हूँ, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। अब इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स करीब 2 to 3 टेबल स्पून, और सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिला देंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग डालनी भूल गई थी, तो आप चाहें तो ऑरेगनो डाल सकते हैं या पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। 1.5 टीस्पून के करीब पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली है, और पिज़्ज़ा सीजनिंग को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे नींबू के साइज के। इस तरीके से सभी बॉल्स बना बना करके रख लेंगे, और ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। इसी तरीके से सभी बॉल्स बना करके रख लेंगे। ये सभी बॉल्स बन करके तैयार हो गई हैं। अब एक मैदे का घोल बनाएंगे। करीब 1/2 कप मैदा ली है ये। थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे, और थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे या ऑरेगेनो डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। इस तरीके से घोल बना लेंगे, जिसको कि ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से लेयर बन जानी चाहिए चम्मच के ऊपर। ये घोल बन करके तैयार हो गया है। अब साथ में चाहिए हमको ब्रेड क्रम्स। फ्रेश ब्रेड को मिक्सी में डाल करके चन कर लिया था, इस तरीके से ब्रेड क्रम्स बन गया। अब एक बॉल को मैदे के घोल में डालेंगे। इस तरीके से मैदे के घोल में डालने के बाद ब्रेड क्रम्स में डालेंगे, और इस तरीके से इसको कोट कर लेंगे। अच्छी तरीके से ब्रेड चिपक जानी चाहिए बॉल के ऊपर, और उसके बाद हाथ से इस तरीके से कर देंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ब्रेड बॉल के ऊपर चिपक गई है। इसी तरीके से सभी बॉल्स को तैयार कर लेंगे। कॉर्न चीज पोटैटो बॉम्ब्स बन करके तैयार हो गए हैं सभी। आप चाहे तो इस तरीके से एयर टाइट डिब्बे में भर करके फ्रीजर में रख सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए। जब भी आपको सर्व करने हो फ्रीजर से निकाल करके सीधे डीप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया गैस पर। ऑयल गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब पहले एक बॉल को डाल करके देखते हैं। गैस को मीडियम हाई हीट पर रखेंगे। अब और भी बॉल्स डाल देंगे। जितने बहुत आसानी से बॉल्स आ जाए उतने ही डालें, एक साथ बहुत सारे बॉल्स ना डालें। और गोल्डन ब्राउन होने तक इस तरीके से बॉल्स को तल करके निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, और टिश्यू पेपर के ऊपर निकालते जाएंगे, जैसे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोख लेगा।
इस तरीके से अब बम्स को सर्व करेंगे। और ये एकदम क्रिस्पी हैं, आप आवाज सुन सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। एक धनिए की पत्ती लेंगे और धनिए की पत्ती को बम के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे और थोड़ी सी टमाटो केचप लगाएंगे इस तरीके से। इसमें आप एक टूथपिक को लगा दें तो इसी तरीके से सभी बॉम्ब्स को सर्व कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और मैं एक आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए एकदम चीज़ी और क्रिस्पी कॉर्न चीज़ पोटैटो बॉम्ब्स बन करके तैयार हुए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन। बाय बाय। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ।